हे गाइस, तो आज है हमारी देवरानी की पहली रसोई। तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी आने में घर से, तो मैं जल्दी ले आई, मैंने फूल्स मंगाए, फूल मैं लेके आई थी रास्ते से। मैंने कहा मैं घर जाऊंगी फिर फूल मंगवाऊंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं फूल लेके आई थी। तो उन्होंने फूल ले दिए थे, फूल की माला दे दी थी, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो मैंने यहाँ फूल की माला वाला तोड़ दी और मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से बस किचन को थोड़ा सा फूलों से सजा रखा है, क्योंकि मेरी देवरानी जी की आज पहली रसोई है, तो थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा हमने खास नहीं किया, पर थोड़ा बहुत अच्छा किया। ये देखो मेरा बाबू, हर चीज़ हमारा कैमरा सामने आता ही और इसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। आप लोग कहते हो ना मैं ओवर एक्टिंग हूँ, मेरे बाबू भी है। सो मेरी देवरानी जी आ गई है किचन में, सो मैंने थोड़ा इनके ऊपर भी फूल डाल दूँ मैं, क्योंकि यही तो बनाएंगे भैया आज, अन्नपूर्णा तो यही है ना रसोई की। तो अब पे मैं कहा अभी तो ऐसे नहीं, मैंने वेलकम अच्छे से नहीं किया, मैंने पूरा फूल वूल डाल के सब कुछ अच्छे से वेलकम किया। मामी जी लेकर आ रही थी अपनी नई नवेली बहू को, तो आज हम इनके हाथ की खाएंगे क्या मीठा, मतलब खीर। सबसे पहले हम इनके हाथ की खाएंगे खीर। सो इन्होंने खीर बनाई है और ये देखिए इन्होंने गैस जला दी। पहले तो खीर उसका पूजन किया, हमारे यहाँ होता है कि पहले चूल्हे का पूजन किया जाता है, आपके यहाँ भी होता होगा भाई। सो पहले हम चूल्हे का, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है खीर खाने का, कर रहा था बहुत ज्यादा, कह रहा है चाची की हाथ की खीर खानी है मम्मा मुझको। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है खा लेना, पहले बनाने तो दो चाची को। तो यहाँ पे इन्होंने रख दिया है गैस पे कुकर, नहीं भगोना रखा है, भगोने में बनाएंगे खीर। तो खीर को तो इनको बना लेने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए बन गई है खीर, ये देखिए। और मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब बहुत ही प्यारी खीर बनेगी, और वो तो खाने के बाद टेस्ट करने के बाद बताएंगे। सो अब मेरी देवरानी जी जा रही है अपने मायके और खीर हम सबको खिला, खीर बहुत टेस्टी बनी थी, तो वो जा रही है। मैंने कहा मिलते रहना जल्दी आना क्योंकि पद फेरा था, तो उसी दिन पद फेरा था, उनके मायके वाले भी लेने लेने आए थे। सो वो जा रही थी, तो मैंने कहा चलो उनको भी विदाई कर दूँ, और मैंने बहुत ही प्यार से उनको विदाई की है, रो रोवा के मैंने बहुत ही प्यार से विदाई की है। और हमारी मामी जी तो बहुत ही रोई थी हमारी बहू के जाने के लिए। मैंने कहा यार एक दिन में इतना प्यार सास बहू में, ये होता है जब मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरी मम्मी जी की भी आंखों में आंसू आ जाता है, ऐसा होता है। तो मामी जी बहुत रोई थी, मैंने कहा कोई नहीं मामी आ जाएंगी एक दिन, जी जा रही हैं। सो ये सबसे यहाँ मिल के गई है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारा नेचर है इनका सच में। ऐसे एक दिन हुआ पर हमें लगा नहीं कि हमें एक ही दिन दो दिन मिले हुए हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा अपनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर लूँ, मैं अच्छे से विदाई कर रही थी। मैंने कहा ठीक है आपके मायके वाले इतना नहीं रोए होंगे आपकी विदाई में, मैं ही रो देती हूँ। तो मैं बहुत गले अले लग लग के रोई थी। तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।